कबाड़ खाने में तब्दील डाक बंगला, अपने ही दुर्दशा पर रो रहा है डाक बंगला। निरीक्षण भवन पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल धनबाद का कार्यालय है बलियापुर का डाक बंगला। स्टाफ को मिले हुए क्वार्टर्स की स्थिति भी है जर्जर। 15 से 25 लाख तक की हुई टेंडर पास, कब तक होगा जीर्णोद्धार कहना है मुश्किल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित निरीक्षण भवन पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल धनबाद के कार्यालय डाक बंगला की, जिसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि अपनी दुर्दशा पर डाक बंगला आंसू बहा रहा है। टूटल फूटल है सर, आप तो नजरों से देखे नहीं। यहाँ अधिकारी और जेई ये लोग कभी आते हैं कि नहीं आते? हाँ, आते हैं सर। कब आते हैं? जब भी आया गया है, हम लोग तो यहाँ खाली देखते हैं। आप लोग से नहीं भेंट मुलाकात, तो लोग आते हैं जाते हैं। यह भी जानकारी मिला त्रिवेणी कंपनी का यहाँ पर काम भी हुआ था, इस दौरान भी डाक बंगला का इस्तेमाल किया गया, क्या कुछ हुआ उस रेवेन्यू का? अब सात लोग जाना सर, वो सब हमारा मालूम है। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? हम तो पीएन चपड़ा से में हैं, मगर ये डाक बंगला देख रेख में हमको रखा गया है। कब से कार्यरत हैं आप? आप तो कार्यरत, हम तो ऐसे 1985 में ज्वाइन किए हैं। यहीं पर? यहीं पर। उसके बाद हमको तो ऐसा परिस्थिति में रखा गया था कि हम हाईकोर्ट तो लड़ना पड़ा, लड़ के तब हमको रेगुलर किया गया, नहीं तो काज भारत में हमको रखा गया था। आखिर क्या कारण था कि हाईकोर्ट तक आपको लड़ना पड़ा? सर, काज भारत में रख दिया था हमको। तो मैंने बोले नहीं। निरीक्षण भवन अभी वर्तमान में क्या स्थिति में? स्थिति इसका अभी जर्जर है, रहने लायक नहीं। अधिकारी आते हैं? आते हैं। कहाँ बैठते हैं फिर? वही बरंडा में बैठते हैं। तो ये देख रहे कपड़ा उपड़ा पसारा हुआ है, किनका कब्जा है इस पर? स्टाफ लोग रह रहा। तो इसमें कुछ काम होता है? हाँ, काम होता है। मैंने अभी तो कंपनी खाली किया है। कौन कंपनी लिया हुआ था? ये त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन। त्रिवेणी, वो कौन सी कंपनी है त्रिवेणी? रोड के काम भी होते। कब से कब तक ली हुई थी? अब ये तो हमको नहीं पता है सर। देखा जा रहा है स्टाफ यहाँ है नहीं, कहाँ गए हैं जिनके जिम्मा ये है? वो अभी बाजार से वो घर गया था खाना खाने, वहाँ पहुँचे वो आ रहा है अभी। यहाँ पर एक्चुअल में काम क्या होता है? यहाँ पर आदमी का ठहरा होता था, राउंड मैंने जगह का दिक्कत हो गया, रूम सब रहने लायक नहीं है इस स्थिति में। कब से मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ यहाँ? यहाँ 2 साल से मेंटेनेंस का काम नहीं। अधिकारी कब कब बैठते हैं यहाँ? महीना में तो 4-6 लोग जरूर आते हैं। लोग प्रत्येक दिन नहीं आते हैं? प्रत्येक दिन आते हैं तो रोड में घूमते हैं। क्या क्या काम होता है यहाँ पर? अब यहाँ का काम जो है, यहाँ तो सामने सब स्थिति है, हम क्या बताएं कि क्या काम। आप यहाँ पर रह चुके हैं, सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, आपको तो जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो है ही सर, जो कि पहले काम था सब कुछ सही था, आदमी का ठहराव रख रखाव सब सही था। जब इस चीज़ जर्जर हुआ, कंपनी को मिला तो कंपनी इसमें ठहरने लगा, जैसे तैसे हो गया। कब से त्रिवेणी कंपनी काम कर रही थी यहाँ? 2019 नवंबर से, अक्टूबर से। क्या नाम हुआ आपका? राजनारायण। इतना ही नहीं, वहां के स्टाफ के क्वार्टर की स्थिति भी पूरी तरह से जर्जर है, कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। यही वह डाक बंगला है जहां बलियापुर क्षेत्र में हो रहे शादी विवाह एवं अन्य समारोह में बुकिंग कर शादी विवाह एवं अन्य समारोह को पूरा किया जाता रहा है, लेकिन स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। हाल के दिनों में त्रिवेणी कंपनी की ओर से सड़क निर्माण के लिए भी इसी डाक बंगले का इस्तेमाल किया गया। हालांकि डाक बंगले की बुकिंग एवं इस्तेमाल करने पर प्राप्त राशि कहां जाती है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। इस बाबत जानकारी ली गई तो पता चला कि यहां महीने में शायद ही कोई अधिकारी या स्टाफ पहुँचते हैं और कार्य को रूप देने की कवायद करते हैं, और हो भी क्यों नहीं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। इतना ही नहीं, विभागीय बोर्ड भी परिसर से दूर कचरे के ढेर में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में हमारे बलियापुर संवाददाता संपत कुमार गोप ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी
वर्तमान में कार्यरत चपरासी एवं जिला परिषद सदस्य सह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम ग्रोवर ने भी अपनी बातों को रखने का कार्य किया। जहाँ तक मुझे मालूम है, अमाउंट के बारे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये रोड डिवीज़न का ये निरीक्षण भवन है और पिछले 4-5 साल से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसका छत नीचे से ऊपर से दोनों साइड डैमेज है। ये छत को डिसमेंटलिंग करके नया छत बनना चाहिए और बढ़िया से रिपेयरिंग होना चाहिए इसका, तभी तो इसका फ़ायदा लोगों को मिल पाएगा, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अभी तक एक दो बार पहले रिपेयरिंग हुई है, लेकिन उसमें अच्छी गुणवत्ता नहीं थी। अच्छी गुणवत्ता के साथ इसका रिपेयरिंग होना चाहिए और इस जैसे यहाँ की जनता को इसका लाभ मिले और डिवीज़न को भी इसका लाभ मिले। स्टाफ रूम की भी स्थिति देखा जा रहा है, जर्जर अवस्था में है। साथ ही अभी जानकारी मिले कि बड़े बड़े सांप भी यहाँ निकल रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरा जंगल तो भर गया था, अभी तक तो कुछ सफाई हुई है और यहाँ सांप सब तरह के जानवर निकलते रहते हैं और स्टाफ क्वार्टर की स्थिति बहुत ख़राब है। वो लोग भी बड़ी मुश्किल से, डर से वहाँ, मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। कभी भी वहाँ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए रिपेयरिंग हो तो बढ़िया से रिपेयरिंग होना चाहिए, मरम्मत अच्छी तरह से होनी चाहिए, जैसे स्टाफ को और बाकी जनता को यहाँ का लाभ मिल पाए। इस दौरान देखा गया त्रिवेणी कंपनी को भी ये डाक बंगला दिया गया था रोड बनाने के लिए, उस समय की क्या स्थिति रही और अभी की क्या स्थिति है? उस टाइम भी स्थिति खराब थी, वो किसी तरह काम चलाने के लिए रखे हुए थे। वो लोग तो रूम का यूज़ कम करते थे, अपना टेम्पोरेरी अपना रहने का जगह सब बनाए हुए थे, लेकिन रूम की स्थिति बहुत ख़राब है। कभी भी छत गिर सकता है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। स्टाफ क्वार्टर की भी स्थिति यही है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए रिपेयरिंग तो आवश्यक है लेकिन उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। ये भी बातें सामने आ रही है कि अधिकारी यहाँ कभी पांव रखते नहीं हैं, अगर मन किया तो महीने में 4 दिन हो सके तो आए या तो नहीं आए। अब रेगुलर तो नहीं आते हैं, जब काम रहता है तब आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो क्या कुछ जो रेजुलेशन निकालना चाहेंगे एक जिला परिषद होने के नाते, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आप हैं? निश्चित रूप से अधिकारी को भी बीच बीच में आना चाहिए, इसका रख रखाव को देखना चाहिए, कहाँ बाउंड्री की स्थिति खराब है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्या बिल्डिंग में दिक्कत है। जब जो निरीक्षण भवन है तो उसका फुलफिल होना चाहिए, सारा चीज़ में व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें आगे फ्रिज, पलंग, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, रसोईया वगैरह सब थे, आज ना स्टाफ है यहाँ पर उस तरह से, ना उसकी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ कोई रुकना भी नहीं पसंद करते हैं, वो स्थिति नहीं है आज के दिन में। प्रखंड कार्यालय की क्या भूमिका रहती है इस डाक बंगला में? प्रखंड कार्यालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये PWD का निरीक्षण भवन है, उन्हीं की सारी भूमिका है, उसी विभाग की सारी भूमिका है। हाल के दिनों में देखा जाता है शादी ब्याह समारोह भी होता है यहाँ पर, उसका रेवेन्यू कहाँ जाता है? ये PWD के रोड डिवीज़न में जाता है, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, एप्लीकेशन देके वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है और परमिशन के बाद ही यहाँ कोई ठहर सकते हैं या कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता संपत कुमार गोप की खास रिपोर्ट। अभी बलियापुर के डाक बंगला स्थित परिसर में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि PWD का यह विभाग पूरी तरह से कबाड़खाने में तब्दील हो चुकी है। इतना ही नहीं, पेड़ जो हैं वो सूख चुके हैं, यहाँ के शीशे जो हैं टूट चुके हैं, बिजली के मीटर जो हैं वो टूट चुके हैं। साथ ही अंदर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेड भी लगी हुई है, लेकिन बेड में कोई बिछौना नहीं है, कुछ नहीं है, गैस सिलेंडर साइड में रखा हुआ है। साथ ही साथ स्टाफ के रूम की भी अगर हम बात करें तो स्टाफ के रूम में आप देख सकते हैं कि स्टाफ के रूम किस तरह से हैं, बाहर में कपड़े पसारे गए हैं, कपड़े पसर चुके हैं और लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं या समझ से परे हैं। और इस बीच में जानकारी मिल रही है कि करीब 25 लाख की लागत से टेंडर पास हो चुका है। आखिर ये जो 25 लाख की लागत से टेंडर पास हो चुका है, इस टेंडर का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, उपयोग होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की राय जाने हैं। यहाँ एक सेवानिवृत्त PWD के रामनाथ जी थे, उनसे भी जानकारी ली गई है, जिला परिषद सदस्य जो है घनश्याम ग्रोवर जी, उनसे भी राय ली गई है। हर किसी की अगर हम बात माने तो स्थिति बहुत ही जर्जर है और करीब 3-4 साल से यह स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी इसके रिपेयरिंग के लिए कई सारी योजनाएं पारित हुई है। हाल के दिनों में देखा गया है कि त्रिवेणी कंपनी को भी इसके लिए जगह मुहैया कराया गया था। अपने सहयोगियों से कहना चाहूँगा कि जरा उधर दिखाएं, देख सकते हैं कि PWD के रोड बनाने के क्रम में त्रिवेणी कंपनी को दिया गया था। अभी भी वास्तविकता आपको नज़र आ सकती है, मटेरियल अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 25 लाख का टेंडर पास हो चुका है और ये किस कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, इसकी जानकारी अभी है नहीं फिलहाल। लेकिन किस तरीके से काम होगा, हालांकि जिला परिषद घनश्याम ग्रोवर जी का अगर बात माने तो उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम होगा, किसी तरह से थूक पॉलिश करके ये काम को नहीं किया जाएगा और ना करने दिया जाएगा।
बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी उमेश चौबे के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज, धनबाद, बलियापुर।